हेलो गाइस, हम लोग आए हैं कैसे पार्टी में, जहाँ पे बहुत ही सारा मतलब बहुत ही बड़ा पार्टी होने वाला है, ग्रैंड पार्टी होने वाला है, वो भी शादी पार्टी। तो अभी आप देख सकते हो ये है स्टेज, और स्टेज के जस्ट बगल में बहुत सारा यहाँ पे रखा हुआ है चेयर। यहाँ पे जितने भी लोग आएंगे यहाँ बैठेंगे चेयर में। फिर साइड साइड आप देख सकते हो जितने भी मेरा खाना वगैरह वहाँ पे बांटा जाएगा। तो यहाँ का नज़ारा काफ़ी सुंदर लग रहा है। आप देख सकते हो हम लोग पहुंच गए इस पार्टी में, और यहीं पे होगा शादी पार्टी। तो अभी फ़िलहाल तो है कि लोग अभी आ रहे हैं धीरे धीरे करके, और ज़्यादा शाम भी नहीं हुआ है, तो ये जस्ट 5:30-6 बजे आसपास का है। तो देख सकते हैं सब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ रखा गया है और डेकोरेट किया गया है। पर थोड़ी देर में जब सभी लोग आएंगे तो देखिएगा यहाँ का नज़ारा कुछ और ही आपको देखने को मिलेंगे। तो फ़िलहाल जितने भी मतलब अभी जो भी लाने वाले थे या लाने वाले हैं, जो भी डेकोरेशन के सामान हुए और जितने भी चीज़ें खाने पीने का, वो भी यहाँ पे अभी अरेंज हो रहा था, और हम लोग तभी पहुँच गए थे क्योंकि अभी खाली भी है, जिस कारण जो है बहुत ही सुंदर हवा आ रहा है फ्रेश वाला, क्योंकि गर्मी का सीज़न में जब ऐसे फ्रेश फ्रेश ठंडा हवा आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो अच्छा लग रहा। सो ये टोटो में कुछ कुछ सामान लाए गए थे, फिर वो चल जा रहा है वापस। अभी निकलते हैं बाहर की ओर। तो यहाँ का डेकोरेशन बहुत ही अच्छा है, ये देख सकते हैं एकदम कलरफुल वाला डेकोरेशन, कितना खूबसूरत लग रहा है इस लाइट से, और फिर हवा भी चल रहा है। कलरफुल वाला ये रास्ता पे जाके बहुत ही सुंदर मतलब अच्छा एहसास हो रहा है, पर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्ट होने में टाइम है। तो तब तक जो है हम लोग यहाँ बस देखने के लिए आए थे, जब स्टार्ट होगा उस टाइम फिर से यहाँ आएंगे, उस टाइम बहुत मज़ा आने वाला है, तो उस टाइम फिर से आपको वीडियो दिखाएंगे। तो तब तक के लिए बने रहे। यहाँ हम लोग ऐसे निकलते हैं, निकलने के बाद ये है मेन रोड, जस्ट मेन रोड के बगल ही है वाला पार्टी। तारा आंधी हुआ था ना, आंधी हुआ हुआ तो ना, और एरा को काटा पा अबों को ताई की ना, और आले निंटा आए पहले नेल को ताई की ना। तो हम लोग देख रहे थे कि जितने भी लड़की को लेने के लिए लड़के पार्टीज आए हुए थे, तो उनको यहाँ स्वागत के लिए, तो उनको स्वागत के लिए सब यहाँ पे खड़े थे, मंडप था। तो अभी आप देख सकते हो फिर से दोबारा हम लोग जो है यहाँ पहुँच रहे हैं, अब की बार मतलब अभी हम लोग एक थोड़ी देर के बाद यहाँ आए, क्योंकि तभी जब हम आपको दिखाए थे उस टाइम एकदम खाली था, और नज़ारा भी खाली खाली लग रहा था, क्योंकि उस टाइम 5:30-6 बज रहा था। बट अभी जब हम लोग गए तब तक भीड़ भी बढ़ गया था, ये 8 बज चुका था। आप देख सकते हैं दीदी जो है यहाँ पे उद्घाटन कर रही है, सबसे फर्स्ट ये सलाद खा करके मतलब चख करके, तो खुद के लिए वो सलाद यहाँ से थोड़ा ली, इसके बाद वो थोड़ा टेस्ट करेगी। तो उनके टेस्ट करने के बाद ही जो है सब कुछ जो भी खाना वगैरह वो बांटना शुरू होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे दीदी को खिलाया जा रहा है, जो कि एक दुल्हन है, और अभी भीड़ भी जो है धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो, इस तरीके से कैमरा में खाने का जो भी क्रम। तो दीदी के खाने के बाद ही खाना खाने के लिए स्टार्ट होने को है, फिर होने वाला है सलाद लेने।
तब हम लोग भी यहीं पे थे। हम लोग सलाद ले सकते हैं। ये देखिए थाली पकड़े हुए थे तो प्लेट पकड़े हुए थे। इसके बाद कुछ देर में भीड़ जो है वो ये खाने की तरफ बढ़ रहा है और यहाँ पे हम लोग लाइन लगाए हैं और दूसरे तरफ जो है खाली था क्योंकि उस साइड से स्टार्ट नहीं हुआ है अब तक, बट हम लोग के लाइन में तो एकदम हम लोग ले चुके थे। अब देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ है। तो यहाँ आप देख सकते हो हम लोग ले चुके थे और खाने के लिए बैठ ही रहे थे तो हम लोग के साइड साइड पे बहुत से लोग अभी यहाँ लाइन लगाए हैं ताकि उनको भी खाना मिल सके और वो खाना यहाँ से ले सके। तो इसके लिए बहुत ही लंबा लंबा लाइन उस टाइम था। यहाँ आप देख सकते हो दुल्हन को गिफ्ट दिया जा रहा है और लोग जो है यहाँ आ रहे हैं और गिफ्ट्स दे रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो इस तरीके से लगातार ये सभी जो भी गिफ्ट मतलब गिफ्ट्स देने का जो भी टाइम था वो यहाँ पे चल रहा था और दुल्हन के सब साथ फ़ोटो खिंचाने का भी एक अच्छा मौका था। तो सभी आ रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे दुल्हन को और गिफ्ट्स भी और साथ में फ़ोटो भी क्लिक करा रहे थे। तो यहाँ आप देखिए कितना ज़्यादा भीड़ हो गया है। अभी बज रहा था 8:30 या 9 बजे और इस वक्त जो है लोगों का भीड़ और भी ज़्यादा आ रहा था। 9:30-9:10 बजे तक में बहुत ज़्यादा भीड़ था। हम लोग खा चुके थे, सबसे फर्स्ट हम लोग खाए थे तो इसके बाद हम यहाँ वीडियो बना रहे थे सबका कि कैसे कौन कहाँ खा रहे हैं वगैरह। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जितने भी खाना वगैरह को मिल रहे हैं और सब कुछ बहुत ही अच्छा था और सबको जितने जिनको जितना भी खाना था वो यहाँ से खुद से लेके वहाँ ये बुफे सिस्टम के थ्रू लेके मतलब वो कहीं भी खा सकते थे खड़े होके या बैठ के। बहुत ही ग्रैंड पार्टी था और बहुत ही ज़्यादा भीड़ भी था। छोटे छोटे फैन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, नन्हे मुन्ने फैन। हाय बाबू, हाय बोलो। और खिला भी दे रहा है देखिए। हाय, बनाओगे ना बाबू? नेक्स्ट बार बनाना ठीक। और हमारे सब्सक्राइबर लोग आपको भी सब्सक्राइब करेंगे। क्या नाम से बनाओगे? ये आप देख सकते हैं लोगों का भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि अब रात भी और ज़्यादा होने को था। कितना ज़्यादा भीड़ है देख सकते हैं। हम लोग खा लिए हैं और फिर बहुत कोई लोग खा रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं स्टेज है और बाकी जगह पे कितना ज़्यादा भीड़ है। कुछ अलग ट्राई करने का तो यहाँ देख सकते हैं गोलगप्पा का लाइन, गोलगप्पा की जगह बहुत ज़्यादा लाइन भीड़ था और साथ में जहाँ आइसक्रीम मिल रहा था वहाँ भी जबरदस्त भीड़ था।
तो हम लोग वो सब चीज़ें खा लिए। इसके बाद अभी टाइम था जाने का, तो जाने का टाइम था। यहाँ गोलगप्पा, उसके आगे है आइसक्रीम। ये देखिए क्यूट डॉगी, इसको भी यहाँ लेके आए हैं, क्योंकि पार्टी में सिर्फ हम लोग खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसीलिए हम लोग के डॉगी महाराज को भी यहाँ लेके आए हैं। पर वही ना कि इतना खा खा के वो भी सुस्त पड़ गया है, अभी सोच रहा है कि बहुत खा लिया है, थोड़ा बैठ जाते हैं। हमारे तरह हम भी यहाँ पे बैठ गए हैं, बहुत खाए जैसे लगा। पर एक दिन में बहुत कुछ मिल जाता है तो लगता है ना कि हाँ बहुत सारा खा, मतलब बहुत खा लिया वैसा लगता है एक ही दिन में जब मिल जाता है तो। डेली ऐसे इतना अच्छा अच्छा मिलेगा तो क्या ही बात हो जाएगा। सब बैठे हैं, आधा खड़े हैं, आधा जा रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं और हम लोग हैं कि इनको देख रहे हैं। ये लास्ट वीडियो 10:30 बजे का है, खाली हो गया। अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से।